रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप लव और कुश के बारे में जानते हैं कि उनका शरीर कहाँ है, कहाँ पर है उनका मंदिर और कहाँ पर रहे हैं वो? दोस्तों क्या पाकिस्तान से हैं लव और कुश? मिले सच्चे सबूत, सच्चाई क्या है जाने इस वीडियो में। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को मानना पड़ रहा है सच। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला शहर लाहौर सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था और ये शहर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। हम भारतवासियों का इस शहर से बहुत बड़ा रिश्ता है। आज भी यहाँ बॉलीवुड से लेकर भारत के उद्योग घराने के राजनेता और बड़े अहदे पर रहने वाले लोगों का जन्म या तो इस शहर में हुआ है या फिर इनके वंशज इस शहर से हैं। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से गहरा नाता है तो आपको यकीन नहीं होगा, मगर ये एक कड़वा सच है। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटे लव और कुश का बहुत बड़ा नाता है। तो जानिए क्या है नाता इस वीडियो में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लाहौर का नाम लवपुरी से निकला है और इसकी स्थापना लव ने की थी। कहते हैं कि जब भगवान राम ने बन जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने भरत के मना करने पर अपने दोनों बेटे लव और कुश को राजकाज सौंपा था। भगवान श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली और अयोध्या राज्य सौंपा था और लव को पंजाब दिया था। लव ने लवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। यही लवपुरी अब लाहौर के नाम से जाना जाता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लवपुरी का सबूत आज भी लाहौर में देखने को मिलता है। लाहौर किले के अंदर आज भी मौजूद है लव मंदिर। जी हाँ, पाकिस्तान में लव के नाम पर एक मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर लाहौर किले के अंदर है। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं ये मंदिर उसी समय बनाया गया था। लेकिन बुरी बात यह है कि ये मंदिर अब खाली पड़ा है। मुसलमानी क्षेत्र होने के कारण अब इसमें कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आज जहाँ पर तक्षशिला है, वहाँ पर भरत के पुत्र तक्ष और पुष्करावती यानी पेशावर में पुष्कर का राजकाज था। लव के जुड़वा भाई कुश ने जिस कुशावती पर राज किया, उसे आज पंजाब के कसूर जिले के नाम से जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पठान और ब्रिटिश साम्राज्य की मिली जुली संस्कृति वाला लाहौर कभी आर्य समाज का गढ़ रहा था। यहाँ से संस्कृत ग्रंथ प्रकाशित हुआ और संस्कृत का प्रसार हुआ था। संस्कृत और भारत विद्या का प्रशासन मोतीलाल बनारसी दास की स्थापना भी लाहौर में हुई थी। बात करते हैं पाकिस्तान के कसूर शहर की, जो लाहौर से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर का नाम कुश के नाम पर पड़ा था। इतिहास के मुताबिक शहर का अस्तित्व 1525 में आया। कसूर वो स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय अपना परचम लहराए हैं। इस क्षेत्र पर कभी मौर्य वंश का शासन था, कभी यहाँ पर ग्रीक साम्राज्य देखा गया था, कभी कुषाण शासन, गुप्ता वंश का शासन और काबुल के शाही साम्राज्य का राजकाज भी यहाँ से चलता था। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।